नमस्कार, मैं आयुषपाल, इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया में हुई 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों की बैठक के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामिक देशों का आपातकालीन सम्मेलन बुलाया गया है। इस सम्मेलन में दुनिया की 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज के सर्वोच्च नेताओं ने हिस्सा लिया है, जिसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान तक शामिल हुए हैं। यह सम्मेलन ऐसे वक्त में बुलाया गया है जब पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफा जीत मिली है। आखिर इस सम्मेलन का मकसद क्या है, सम्मेलन में क्या कुछ चर्चा हुई है और कौन सा एजेंडा पेश किया गया है, इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सऊदी में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश जो है वो क्यों जुटे हैं। एक रिपोर्ट की अगर माने तो रियाद में आपातकालीन सम्मेलन सऊदी अरब की पहल पर बुलाया गया था, जिसमें ईरान से लेकर इराक, जॉर्डन, तुर्की, फिलिस्तीन और तमाम अरब इस्लामिक देशों के नेता शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन का मकसद ईरान, लेबनान, गाजा और फिलिस्तीन के मसले पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करना है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो इस्लामिक देशों का यह सम्मेलन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ठीक बाद एक रणनीति के तहत बुलाया गया है, ताकि खासकर लेबनान और गाजा में इसराइल की कार्रवाई को रोकने के लिए उन पर दबाव बनाया जा सके। क्या ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, यह भी एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी माने जाते हैं। वह कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर वो सत्ता में होते तो युद्ध शुरू ही नहीं होता। ऐसे में माना जा रहा है कि इस्लामिक देश ट्रंप पर एक नैतिक दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि वो इसराइल की कार्रवाई रुकवाए। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, सम्मेलन की पहल और अगुवाई सऊदी अरब ने की है, जो अमेरिका का करीबी माना जाता है, ताकि ट्रंप पर दबाव बनाया जा सके। इसी के साथ साथ सम्मेलन में क्या कुछ हुआ, इसको भी विस्तार से समझ लेते हैं। इस सम्मेलन में पहली बार इस्लामिक देशों ने एक स्वर में लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन में इसराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है, इसराइल के हमलों को फौरन रोकने की अपील की है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दो टूक कहा है कि सऊदी अरब इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के जनसंहार की निंदा करता है और इसको तुरंत रोकना चाहिए। प्रिंस सलमान ने कहा है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है और उसको इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसराइल को तुरंत वेस्ट बैंक और गाजा में अपने सैनिकों को हटाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसराइल पर इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। सऊदी क्राउन प्रिंस का इशारा साफ तौर पर अमेरिका की तरफ था। अलक्सा मस्जिद का मुद्दा भी यहां पर गरमाया रहा। इस्लामिक देशों के इस सम्मेलन में यरूशलम की अलक्सा मस्जिद का भी मुद्दा चर्चा बना हुआ है। मुस्लिम नेताओं ने आरोप लगाया है कि इसराइल बार बार अलक्सा मस्जिद की पवित्रता का उल्लंघन कर रहा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कहा है कि इसराइल बार बार फिलिस्तीन के वैध अधिकारों में दखल दे रहा है और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी तरह ठीक नहीं है। अलक्सा मस्जिद इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और इसको लेकर इसराइल फिलिस्तीन के बीच दशकों से बात चलता आ रहा है, और ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर के यहां पर चर्चा की गई है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर ये तमाम मुस्लिम देश किस तरीके से दबाव बना पाते हैं।